कितना अपने आपको कॉन्सेंट्रेटेड रखना है material, मैं आपको उन सब चीजों के लिए गाइड करूँ जो आपके मेन पेपर फ्रेमिंग होती है वो आपकी एट टू सिक्स दिमाग में अच्छा तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जीके के लिए अनलिमिटेड सिलेबस जबकि सिलेबस लिमिटेड अंकिता सिंह एंड आई एम गोइंग टू टेक योर करेंट अफेयर्स क्लासेस एट पीडब्ल्यू क्लैट So, before we start with any further discussion, let me give you an introduction about myself. I am a law graduate, plus, I have done my Masters in Law from OP Jindal University, and I have completed my PG degree in Business Law from NLU Bangalore, which is a very dream. Hai. आई नो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि भाई हमें हमें ये जीके कौन पढ़ाने वाला है क्या हम सेफ हैंड में हैं जब जब जीके की बात हो रही है एट पी मैं आपको बोलती हूँ द आंसर इज येस यू वॉन्ट टू गिव द पेपर एंड आई नो योर पेपर एज आई एम हैविंग अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन सेवन ईयर्स बच्चे हमें क्या पढ़ना है क्या सोर्सेस को रेफर करना है कितना अपने आप को स्ट्रिंजेंट रखना है कितना अपने आप को कॉन्सेंट्रेटेड रखना है द मटेरियल मैं आपको उन सब चीजों के लिए गाइड करूंगी ठीक है अब आप बोलोगे मैम बड़ी बड़ी बातें तो हो गई अब मुझे सोर्सेस बता दो बिकॉज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम लोग जाएंगे लाइन बाई लाइन सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हमारे दिमाग में ये आता है कि क्लैट कितने ये टर्म के हमारी जीके को टारगेट करता है देखो, ऐसे तो इट गिवन द क्लाड कंसोटियम की लास्ट वन ईयर का आपका जीके आएगा ठीक है लेकिन बेटे जो आपका क्लाड कंसोटियम है या जो आपके मेन पेपर फ्रेमिंग होती है वो आपकी एट टू सिक्स मंथ्स बैक से हो जाती है तो हमें अपना बहुत ही स्ट्रिंजेंट कंसंट्रेशन रखना है आठ से छह महीने तक के करंट अफेयर्स पे क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं हमारे जीके आने के हमारे क्वेश्चन पेपर में आने के ठीक है सेकेंड थिंग अभी थोड़ा क्लैट के पैटर्न ये थोड़ा जीके के पैटर्न में क्लैट के पेपर में थोड़ा चेंजेस आया है वो चेंजेस क्या है बेसिकली पूछ रहा था, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि मैम क्या हमें बस करंट अफेयर्स पढ़ना है या हमें स्टैटिक पोर्शन भी डील करना है नाउ द थिंग इज एज पर न्यू पैटर्न जो क्लैट ने इंट्रोड्यूस किया है आपको करेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा दैट इज द मोस्ट कंपल्सरी थिंग बट अगेन आपको स्टैटिक भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ठीक है तीसरा आप उनसे पूछ सकते हो मैम हम लोग क्या क्या सोर्सेस को रेफर आउट कर सकते हैं बेटा देखो जीके जो है वो समंदर है और लोग कहते हैं कि इसका सिलेबस एंडलेस है ठीक है लेकिन क्या ऐसा सच में है द ओनली थिंग इज कि आपके पास दो ऑप्शन रहेगा या तो आप हार्ड वर्क करो या तो आप स्मार्ट वर्क करो जब हम लोग हार्ड वर्क के बारे में बात करते हैं ना तो हम वहां पे स्मार्ट वर्क को इंक्लूड नहीं करते बेसिकली नो देर ये क्या बोलते हैं हम वहां पे सारे चीजों को रेफर डाउन कर जाते हैं बट आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आप पूरा अगर आप पूरा जीके पढ़ने निकले फ्रॉम एवरी सोर्सेज अवेलेबल इन मार्केट तो क्या क्या आप अपना लीगल सेक्शन देख पाओगे क्या आप अपना मैथ्स का सेक्शन देख पाओगे क्या आप अपना इंग्लिश का सेक्शन देख पाओगे क्या अपने आप सी का सेक्शन देख पाओगे एंड फॉर ऑल द आई यू राइट नाउ द आंसर इज अ बिग नो ठीक है सो so, सोर्सेस को अपने लिमिटेड रखना है एंड जो सोर्सेस बेसिकली सिंस यू हैव इनरोल्ड योर सेल्फ और यू विल बी कमिंग एट यू नो फिजिक्स वाला क्लैर तो यू हैव टू रिलाई अपॉन माय नोट्स मेरा नोट्स आपका सारा स्टैंडर्ड मटेरियल जो मार्केट में है वो सारा कवर अप करेगा प्लस अगर आपको पढ़ना है तो आप पी डब्ल्यू के मैगजीन्स जो आपको जीके के मिलेंगे आपको वो कवर करने हैं एंड तीसरा बी इन द हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज पेपर द हिंदू देखो द हिंदू आपको कंटेक्सट में रहने के लिए पढ़ना है अपनी रीडिंग हैबिट बनाने के लिए पढ़नी है क्योंकि हम सबको पता है कि अब क्लैट का पेपर मेरा कॉम्प्रिहेंसिव हो चुका है ना कि वन लाइनर रीडिंग द हिंदू न्यूज पेपर बी बेनिफिशियल इन बोथ द पहले कि आप न्यूज से रूबरू रहोगे आपको पता रहेगा कि हाँ जी न्यूज में क्या चल रहा है सम टाइम द क्वेश्चन माइट कम कि हाँ आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि अच्छा जी क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा गया था दूसरा कि आपका रीडिंग स्पीड बढ़ेगा आपका एनालिसिस स्किल बढ़ेगा तो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर योर पेपर एंड चौथा एंड द मेन मॉक्स मॉक्स के लिए आपको बहुत ज्यादा ही यू हैव टू गिव द प्रॉपर एनालिसिस टू मॉक ठीक है तो मैंने अभी तक आपको चार सोर्सेस बता दिए पहला मेरा मटेरियल दूसरा आपका आ, ये पी डब्ल्यू जी के का मैगजीन तीसरा द हिंदू न्यूज पेपर और सम स्टूडेंट्स कैन रेफर टू द इंडियन एक्सप्रेस एज वेल उनकी मर्सी एंड चौथा जो मैंने अभी आपको बताया है वो क्या है हमारा मॉक टेस्ट ठीक है नाउ मूविंग लेट्स टॉक अप मोर अबाउट सम जी के ना उसको मैं बोलती हूँ पूरे पेपर के सेक्शंस का लाइक वी ऑल नो कि हमारा जो क्लैट का पेपर है वो हमारे पांच सेक्शंस में डील आउट करता है इंग्लिश क्रिटिकल रीजनिंग जी के लीगल रीजनिंग एंड मैथ्स अगर मैं बात करू इंग्लिश लीगल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग की यहाँ पे तुक्केबाजी चल सकती है आप तुक्का मार सकते हो और आपका तुक्का सही भी हो सकता है समझ में आया लेकिन जीके में या तो आपको आंसर आता है या तो आपको आंसर नहीं आता है उसके लिए कुछ घुमा फिरा के आप कोई काम नहीं कर सकते ठीक है तो जीके इज द मोस्ट एक्यूरेट सेक्शन और मैं ये बोलती हूँ कि हो सकता है कि इंग्लिश का पैसेज बिल्कुल ही अनसीन होता है हमें नहीं पता कि जी पैसेज कहाँ से उठाया लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि जीके इज द मोस्ट नोन सेक्शन वाई क्योंकि हमें पता है कि हमें पिछले छह महीने या आठ महीने से ही हमारा न्यूज से क्वेश्चंस आने वाला है तो हम क्यों इतना बवंडर बनाते हैं जीके का हम क्यों इतना फर्स्ट क्रिएट कर रहे हैं कि जीके के लिए अनलिमिटेड सिलेबस जबकि सिलेबस लिमिटेड है हमें उसी लिमिटेड टाइम फ्रेम का पढ़ना है तो जीके का आपको टॉपिक्स भी पता होएगा जीके का आपको चीजों भी पता होता है और जीके में सबसे कम चांसेस होता है कि आप मिस्टेक करो क्योंकि अगेन आपको या तो आंसर आता है या तो आपको आंसर नहीं आता है इससे क्लैरिटी क्या मिलती है कि नेगेटिव करने का चांसेस मेरा जीके में गिर जाता है और अगर हमें आंसर्स आता है तो मार्क्स मिलने का चांसेस हमारा ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाता है ठीक है सो गाइज प्लीज डोंट बी स्कैड ऑफ जीके एंड प्लीज जस्ट यू नो विद ओपन हैंड जस्ट वेलकम जीके एंड ट्रस्ट मे यू विल बी डूइंग गुड थैंक यू सो वेरी मच दिस वॉज ऑल फॉर टू